तो ये मैंने कपड़े दोपहर के धुलाई की हुई हूँ, मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, तो मैं छत पे फैलाने जा रही हूँ और वहीं पे आप लोग से मैं कुछ बात करूँगी। फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और जो भी मेरी प्रॉब्लम है अब मैं आप लोग से शेयर वहीं पे करूँगी और मेरी जो वीडियो का जो भी प्रॉब्लम है मैं उसी में सब बताऊँगी कि क्यों मेरी वीडियो लेट आती है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और ये छत पे मैं आ गई हूँ, देखिए कितनी धूप है और कपड़े लेके आई हुई हूँ, ये माथा सर एकदम पकड़ के घूमने लगता है, इतना धूप है, गर्मियाँ बहुत तेज बढ़ गई है। ये मैंने सारे कपड़े फैला दिए, देखिए जो फैला है। आज मैं आपको एक और करतूत दिखा रही हूँ अपना डॉग को, मैं बोलती हूँ ना बिस्तर कैसे फाड़ देता है, देखिए अच्छी खासी बिस्तर का ये लोग क्या हाल किया है, चढ़ के ऊपर सिलाई भी की थी इधर से और फिर भी ये लोग अपना पाँव से रगड़ रगड़ के ऐसे फाड़ देते, इतना बर्बादी होती है। तो मैंने पूरे कपड़े अच्छे से फैला दिए हैं, बहुत तेज धूप है, दिन को 12:30 हो रहा है, अब मेरा काम जाके खत्म हुआ, अब मैं जाऊँगी नीचे खाना खाऊँगी और कल मैं जो वीडियो डाली हुई थी आप लोग से उसी बारे में कुछ बात करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे भी कमेंट आए, कुछ लोग पूछे भी कि आप बहुत परेशान लग रही हैं। तो हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं कल में जो वीडियो डाली हुई थी उसमें मेरे बहुत कमेंट आए थे और आप लोग, मैं अभी नहा के आई हुई हूँ, मुझे लगाई हुई थी फेस भी मेरे कैसे दिख रहे हैं। हाँ गाइस, मैं टेंशन में हूँ, बहुत मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे कि आप टेंशन में दिख रही हूँ, हाँ बहुत बड़ी टेंशन है क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि आप वीडियो अपलोड करिए, वीडियो अपलोड नहीं करने का भी फीचर है, उसमें मैं अपना वॉइस चेंज कर दी थी क्योंकि देखिए मेरी फैमिली भी देखता है, सब देखते हैं, रिलेटिव भी देखते हैं, देखने वाला तो सब होते हैं लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं होता है। वही है, वही मैं वीडियो बनाई हूँ और आपको से बोल रही हूँ कि शायद मेरे को सपोर्ट करिए, प्रॉब्लम आप यहाँ पर नहीं भूल गए उसका वजह से। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा खबर था, पुस्तक भी था, लेकिन मैं इतना अफसोस हो रहा है कल में, बाद में मुझे पता चला मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पास में एक तो मेरा बगल में ही रहती है, इतना बड़ा यूट्यूबर मैं आज तक बात नहीं की, 3 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है, हर वीडियो में 2-3 मिलियन व्यूज आ जाता है, सोची कि एक बार जाके बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन कल में एक और बहुत मेरा सामने से चला गया, लेकिन आज बहुत अफसोस हो रहा है कि काश मैं भी गई होती। आप लोग सुने भी होंगे विष्णु राज चौहान का चैनल है जो मालती चौहान है, वो आई हुई थी यहीं पे, सब लोग गए थे प्रमोशन के लिए अपना चैनल को, लेकिन हमको बाद में पता चला कि अरे आप नहीं गई, कितना वीडियो डालती हैं बीच में, मैंने जो मेरा एक दो फ्रेंड बनाई हुई है वो लोग बताए और मेरा एकदम पास में आई थी, ज़्यादा दूर में 1 किलोमीटर दूर पर था, मैं जा भी सकती थी लेकिन नहीं पता चला, बाद में पता चला। और वो लोग जब मैं उन लोग का वीडियो देखती हूँ कमेंट करते हैं तो रिप्लाई भी करते हैं, वो लोग पर्सनली बोले भी थे कि जो जो मेरे वीडियो पे आते हैं देखते हैं वो लोग आए प्लीज़, तो सुन के बहुत अच्छा लगा हमको भी कि देखिए कितना, मतलब कोई कोई यूट्यूबर होते हैं ना कि बिना फ्री का कैसे, मतलब फ्री बोलूँगी कि सबको निमंत्रण दे के और उनका वीडियो को प्रमोशन करते हैं चलाने के लिए, और देखिए सभी प्रॉब्लम में है तभी तो यूट्यूब में आए हैं ना, तो ये अच्छा लगता है कि चलिए उठ के ओला आए, मैं भी काश गई होती, मेरा एकदम 1 किलोमीटर बोल रही हूँ, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, वहाँ पे एक पार्क है वहीं पे वो लोग आए थे, बहुत भीड़ था तो मैं नहीं जा पाई, इसका तो अफसोस है। और ये तो एक तो बगल में ही रहती हैं, इनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है, बात इसलिए नहीं हो पाई है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ उनसे सबसे पूछे तो वो लोग बताए कि नहीं, वो लोग बात किसी से नहीं करते हैं, 3-4 ऐसे CCTV लगा दिए हैं, तो मैं भी सोची क्या जाना कुछ बेइज्जती वेज्जती कर देंगे तो फिर जाना ठीक नहीं है, फिर भी कभी सोचती हूँ कि जाके मिल के बात करती हूँ। देखिए दिखा रही हूँ मैं उन लोगों को, यही सामने जो बिल्डिंग है ना, उसकी मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, तो सामने दिख रहा है ना ये घर, यही जो वो वाला नहीं, ये जो सामने एक ग्रिल जो दिख रहा है यही इनका घर है, मैं बोली थी ना मेरा इस जो जहाँ पे रहती हूँ इस बिल्डिंग के पूरा सटा ही है, दूसरा किसी का बिल्डिंग नहीं है, ये जो मेरे मकान मालिक हैं उनका बीच में जो खाली ज़मीन है ना उन्हीं का है, बाउंड्री दे के रखे हुए हैं और ये इनका घर है, तो इनका तो देखती हूँ तो बहुत ही लगता है सोचती ना, लेकिन ये लोग किसी से बात नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं,
एक दो सुनी थी हाथ से यहाँ पे आए थे दूर से प्रमोशन के लिए, तो ये लोग भगा उगा दिए थे ऐसे सुनी हूँ, मेरे साथ से नहीं हुआ सुनी हूँ, तो हो सकता है सुना सुनाई बात भी है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। हम लोग का पूरा फैमिली का चैनल है, मम्मी का भी है बहन का भी है, पूरा फैमिली का चैनल है और सबका अच्छा खासा भी चाहे तो वो लोग कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं वो लोग, वो लोग प्रमोशन वगैरह किसी का नहीं करते हैं ऐसे सुनने में आया है मेरे को भी, तो इसीलिए मैं नहीं गई उन लोगों से बात की, लेकिन वो तो खुद बुलाए हुए थे फिर भी नहीं जा पाई, तो वही मेरा किस्मत ही बोलूँगी कि देखिए क्या क्या से कहाँ क्या हो गया और है फैमिली में प्रॉब्लम, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, इसीलिए मैं टेंशन और वीडियो नहीं डालने का रीज़न भी यही है, और ख़ास का रीज़न है कि जो मेरा मोबाइल है ये भी ख़राब हो गया था तो ठीक करवाई हूँ, तो वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं आता है और जो मेरा ये माइक है वो भी बहुत धीरे धीरे आवाज़, जैसे बात करती हूँ ना इतना तेज़ बात करती हूँ फिर भी आवाज़ नहीं पूरा क्लियर सुनाई नहीं देता है, तो मैं जो वीडियो एडिट करती हूँ 2 बार 3 बार उसको एडिट में वॉल्यूम को बढ़ाती हूँ तब जाके सुनाई देती है, इसीलिए और मन ये हो जाता है, और यही बात है यही रीज़न है प्रॉब्लम बहुत लाइफ में, क्या क्या सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुँच गया और क्या क्या हादसा होते पे होते गया यही है, नहीं तो जो मैं जब मैं चैनल बनाई हुई थी तब तो अच्छा खासा था, और यही के बाद आप लोग से बात करें नीचे भी रूम इतना बड़ा नहीं है छोटा ही रूम है, बहुत गर्मी है अभी यहाँ पे थोड़ा हवा चल रहा है अच्छा लग रहा है अभी नहा के टेंशन में ही रहती हूँ, और वही कल वीडियो डाल दी थी, तो चलिए थैंक यू जो भी मेरे फैमिली बोलूँगी आप लोग फैमिली है सपोर्ट है अपना तो नहीं करता है लेकिन चलिए कहाँ कहाँ से फ्रेंड बने और सब सपोर्ट करते हैं बोलते हैं कि आप टेंशन में डेली वीडियो डालिए, तो वो है मेरा गलती मैं नहीं डाल पाती हूँ, गुस्सा आ जाता है ना मेरे को भी कि क्या करूँ क्या काम करूँ नहीं करूँ, तो कल मैंने यूट्यूब पर अपना पूरा भड़ास निकाल दी थी कि यूट्यूब मेरा नहीं भेज पाता है इंप्रेशन कहीं नहीं भेजता इसलिए कोई नहीं देख पाता है, तो क्या आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्लीज़ कि ऐसा होता है क्या कि देखिए 1600 सब्सक्राइबर है फिर भी 100 भी नहीं कोई देख पाता है तो ऐसा क्यों होता है, और वो भी मैं हर स्टेज पे शेयर करती हूँ तब जाके इतना व्यूज आता है, और जो मेरे हैं बहुत करीब वो कभी भूले ही नहीं है, तो उन लोग को दिल से थैंक यू धन्यवाद, और अभी के लिए इतना ही, और ज़्यादा नहीं खा जा रही हूँ किचन में जो भी बनाऊँगी आप लोग से शेयर करूँगी, और सोचती हूँ कि अब वीडियो डाली 2-3 दिन में ही तो एक वीडियो डाली तो क्या प्रॉब्लम हो, तो होती रहती है सबका फैमिली में है लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा ही है क्या रोना और गाना यहाँ पे करूँ, लेकिन आप लोग है समझ जाते हैं ये अच्छा लगा कि कुछ मेरा कमेंट्स आया था कि आप बहुत मतलब टेंशन में है गुस्से में है तो थी इसीलिए निकल गया था मेरा, तो सॉरी मैं अभी आ गई हूँ किचन में छत से कपड़ा डाल के अब मैं खाना बनाऊंगी किचन में, आवाज़ मेरी कम आ रही होगी ना, तो खाना बनाऊंगी मैं अभी किचन में आई हुई हूँ, और मैं बनाऊंगी दाल चावल और सब्जी, सब्जी मैं कटहल की बनाऊंगी कूचा कटहल की सब्जी, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूंगी, ये जो कढ़ाई देख रही है सुबह का मैंने नाश्ता बनाई हुई थी ब्रेकफास्ट, तो उसका बच्चा लोग जो स्कूल गया हुआ है तो उन लोग के लिए सब्जी बनाई हुई थी भुजिया सब्जी बनाई थी, तो वो है, और ये दूध है अभी गर्म है तो दूध वाला दूध हम लोग खरीदा है 12:30 बजे के करीब में, तब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और मैं कटहल की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी आज का, आज ही सोचूंगी वीडियो शाम तक अपलोड कर देने के लिए, और ये जो है अरवी का पत्ता अगर इसका भी मैं पकोड़ा बनाऊँगी, अगर आप लोग को इसका रेसिपी देखना है कि कैसे बनाती हूँ तो ये आप लोग कमेंट करिएगा मैं इसका भी शेयर कर दूँगी आप लोग से, फिलहाल मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ आप लोग को रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, इसको मैं पकौड़ा बनाऊँगी ऐसे काट के, कैसे वो लपेट के वाला नहीं बनाऊंगी ऐसे काट के, और इसमें क्या क्या सामान लगता है वो सब अगर आप लोग शेयर कमेंट में कमेंट करिएगा कि आप लोग को देखना है तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग से शेयर कर दूंगी पूरी वीडियो शूट करके अच्छे से कि कैसे बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में सभी को पसंद है, वो शायद आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि इसमें बहुत कम तेल मसाला वगैरह पड़ता है लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, पूरा फाइनल मिक्स हो गया है आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो भी इसका अंदर में है जो अच्छा से मिक्स हो जाए, और इसको अच्छे से मैं पकौड़ा बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, 2-3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से ढक के रख दूंगी, तब तक बाकी की तैयारी कर लेती हूँ, ये पूरी अच्छे से हो गई है, अब मैंने इसको गोल गोल करके और फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डाल के देखिए गरम तेल को करके फ्राई कर रही हूँ,
और पूरी अच्छे से फ्राई करके, और फिर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए कि मैंने कितना अच्छा बनाई हूँ। और मैं पहली बार आप लोग को टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसे बना हुआ है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा वीडियो को, हर लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो मैं आज पहली बार आप लोगों को ये पकौड़ा पत्ता का, अरवी के पत्ते का पकौड़ा और रोटी खा के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा बना है गाइस। तो मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिएगा, ऐसे रेसिपी अगर देखना अगर और पसंद आप लोग करते हैं और करिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जो रेसिपी मेरे को आती है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो वही है, वही वीडियो बनाई हुई हूँ और आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए, मैं खा के आप लोग को टेस्ट करके भी बता दी। तो मैं सो गई थी, इतना वीडियो बनाई हूँ आप लोग से, आज शेयर कर दूंगी आप लोग को। और अभी शाम को बज रहे हैं 5:30, और जो मैंने सुबह से आज वीडियो स्टार्ट की थी, सुबह से लेके, सुबह से नहीं दोपहर से, तो आप लोग का प्यार भरा कमेंट देखे कि आप वीडियो डेली डालिए, तो थैंक यू। मैं फैमिली फ्रेंड सबको दिल से धन्यवाद। और अभी मैं सोची वीडियो को एंड करके एडिट करके डाल देती हूँ, तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी, अब 5 से 6 मिनट ही का बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और अभी मैं वीडियो का कर देती हूँ एंड, बस आज इतना ही, और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। डेली तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाती हूँ तो वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना आप लोग, आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो, हाँ, आप लोग देखिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को देख पाएँ।